श्रीमान गोपाल राम जी मेघवाल पूर्व मंत्री साहब से निवेदन रहेगा, इनके पश्चात आपका उद्बोधन रहेगा। कांग्रेस के बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय भाई मानवेंद्र सिंह जी की इस नामांकन रैली में मंच पर तशरीफ फरमा तमाम हमारे कांग्रेस के नेतागण, पांडाल में बिराजे हमारे कांग्रेस के जन प्रतिनिधि साहेबान और इतने बड़े हुजूम में इस पांडाल में बिराजे तमाम भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करती हूं। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। भाइयों, मैं अपने बात की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहूंगी। आज देश के जो हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी। यहाँ मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। भाइयों, मैं ये चंद पंक्तियां कहते हुए मेरी आंखें नम हो जाती है। मैंने बहुत अच्छे से देखा है, जब से मैंने इस दुनिया में आंख खोली मैंने इस देश की एकता और भाईचारे को देखा है। मैं बात करना चाहूंगी कि आज देश के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। इस देश के हालात को बदलने का वक्त आ गया है। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देश का, हमारे भारत देश का प्रजातंत्र जो है वो अपने आप में एक अनूठी पहचान रखता है। यहाँ का भाईचारा अपने आप में एक मिसाल देता है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आज फिर से वो हालात देश में आ गए हैं कि रोज तानाशाही फरमान जारी किए जाते हैं, भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है, धर्म और संप्रदाय की राजनीति की जा रही है। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा धर्म ऐसा है जो बैर की भावना सिखाता है? हर धर्म अपने आप में भाईचारे की बात सिखाता है, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस देश से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग भाईचारे और मोहब्बत से रहते आए हैं। लेकिन बार बार ये कहते हुए बड़ा दर्द और तकलीफ हो रही है कि आज देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या देंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हम सिर्फ धर्म के रास्ते पर चल करके भी अपने एक नए समाज का निर्माण कर दें तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज हमारे प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मेरे ग्रामीण यहाँ पर भाई बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, मेरे किसान भाई यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं, मेरी महिला बहनें यहाँ पर बड़ी तादाद में आई हैं। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आए हैं। भाइयों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बॉर्डर के उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ हमने कभी नहीं सुना कि कोई बैर भाव किसी संप्रदाय या जाति में हुआ है। आज हमारे प्रजातंत्र पर फिर से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो पाखंडी देशभक्त के खोल में छुपे बैठे हैं उनको बेनकाब करने का वक्त आज आ गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम इस वोट की कीमत को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि नेता आप बनाते हैं, यहाँ जो भी नेता बैठे हुए हैं वो आपकी बदौलत है। यहाँ इंसान कोई सर्वोपरि नहीं होता या फिर इंसान कोई महान नहीं होता, यहाँ बिठाने के लिए आपकी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने वोट की कीमत को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और इस देश में बदलाव की बयार को ले आए। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी ने बहुत तरीके से राजनीति को देखा है, यहाँ पर बहुत बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा है। मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी लोग यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। आप सभी ने बहुत तरह की राजनीति देखी है, आपने धर्म की राजनीति को परखा है, आपने जाति की राजनीति को परखा है। अब बदलाव के लिए वोट करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करना चाहूंगी कि आप बदलाव के लिए वोट करें, अपने बच्चों का भविष्य तय करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम एक कदम भी गलत उठा देंगे तो हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य नहीं दे पाएंगे। और हम ऐसा देश बच्चों को देना चाहते हैं जहां पर भाईचारा और जो मोहब्बत चलती आई है वो कायम रहे।
मैं आपको थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आज चुनाव का वक्त है। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सामने राजनीतिक दल होते हैं, हम तुलना करें सभी राजनीतिक दलों की और हम चुनें कि कौन सा दल क्या कहता है, कौन सा दल झूठे वादे करता है और कौन सा दल अपने आप में जो बात करता है उस पर खरा उतरता है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का जो अपना इतिहास है, प्रजातंत्र का सबसे पुराना राजनीतिक दल है कांग्रेस, और कांग्रेस अपने आप में एक इतना बड़ा इतिहास लेकर के चलता है जहां के नेताओं ने बलिदान भी दिए हैं और उस बलिदान की नींव पर इस देश की नींव पड़ी है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि 29 तारीख को मतदान करें और भारी संख्या में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि एक दल वो है जो जो भी वादे करता है उस पर खरा उतरने की कोशिश करता है, और एक दल वो है जो येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्ति की बात करता है। मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी क्योंकि वक्त का तकाजा है, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे GST की तानाशाही फरमान हो जो रात को 12 बजे जारी कर दिया जाता है, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, एकमात्र अगर कोई वादा इन्होंने पूरा किया हो तो शायद आप लोग मुझे बता पाते आज, लेकिन सारी आंखें नम है। बहुत बड़े उत्साह के साथ मैंडेट दिया गया था और बहुत बड़े उत्साह के साथ इनको सत्ता में लाया गया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि भारी से भारी मतदान करें और वोट करके हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। वक्त का तकाजा है, मैं अंत में सिर्फ आप सभी से निवेदन करूंगी कि हम सभी घर घर जा जा करके ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं। और अंत में सिर्फ 2 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।